प्रूफ कंप्लीट होगी। क्वेश्चंस कमेंट्स आपकी तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से। जी इन द मीन टाइम इस वक्त 44 स्टूडेंट ऑनलाइन है, तो अटेंडेंस में ले लूं क्या ख्याल है, क्योंकि एक टाइम आया था 45 भी आ गए थे। जी सर। जी मुबशर, आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए बोले मेरे ख्याल से, इससे पहले तो वो कोई आवाज नहीं है आपकी, ऐसे ही है ना सर? मैंने पहले एक दफा बोलने की कोशिश की थी लेकिन वो बता दिया था भाई। ओके थैंक यू। क्वेश्चन कमेंट किसी के? सर ये जो आपने प्रूफ किया ये तो तब किया है जब एक्स और वाई के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ वर्टेक्स हो वो सेम हो, मतलब कि अगर एक्स सेट है उसके अंदर हमारे पास तीन वर्टेक्स पड़े हुए हैं और वाई में दो पड़े हुए हैं, फिर तो नहीं होगा ये प्रूफ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कहीं पे मैंने ये मेंशन किया है कि एक्स के अंदर जो है वो एक्स और वाई के अंदर सेम होने चाहिए, मैंने कहीं ऐसी चीज नहीं लिखी। आपको किस सेंटेंस से लग रहा है जरा मुझे बताएंगे सर? क्योंकि आपने बताया ना कि मतलब जो डिग्री है ना वो आपस में बराबर है, अगर हम वन कंसीडर करते हैं तो। मैंने हाँ मैंने डिग्री की बात की है, मैंने डिग्री की बात की है, नंबर ऑफ वर्सेस की बात नहीं की मैंने। ठीक है ठीक है, सपोज कर लेते हैं मैं ग्राफ ड्रा करने की ट्राई करता हूँ, एक बाइपोलर ग्राफ ड्रा करने की बात करता हूँ, वहां से सिंपल जैसा आपको शो होगा कि हाँ इसी तरह ही है, जनरल प्रूफ आपको नहीं पता चलेगा। हमारे पास ये नंबर ऑफ, ये हमारे पास एक बाइपार्टाइट ग्राफ है, ठीक है, और इसके अंदर हम सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ एजेस जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो फिलहाल हमारे लिए इतना काफी है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक ही एज है, ठीक है, तो अगर हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक ही एज है, तो अगर अभी जो मैं बना रहा हूं, अगर आप उसकी शो हो रहा है एक ही एज है, तो हमारे पास ये बाइपार्टाइट ग्राफ होगा जो मैंने ऊपर बनाया हुआ दो वर्टिसेस के ऊपर, तो दोनों तरफ के 1 और 1 बाकी ले रहे हैं। जी सर, सेलेक्ट कीजिएगा क्वेश्चन किसी और से पूछ लीजिएगा। ओके हमने अभी कितने एजेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने कहा कि हमारे सपोज हमारे में 7 एजेस हैं, टू आपने नहीं माना, आप जरा काउंट काउंट करें इधर जो डिग्री के सामने वो कितने हैं, और जल्दी से बताएं इधर जो डिग्री के सामने वो कितने हैं। आई थिंक 3, 4, 5, 6, 6 आ रहा होगा। जी सर 6, 6 है। ठीक है, दोनों तरफ इसको डिग्री का सम 6, 6 है, यानी कि एक एज कम है मेरे पास, मैंने कहा 7 एजेस वाला मेरा ग्राफ है, 6 एजेस के लिए मैं ट्रू मान लिया। अब जब भी मैं एक एज ऐड करूंगा, सपोज मैंने एक एज यहां से लेके यहां तक ऐड कर दिया, तो आप देखोगे दोनों तरफ एक एक डिग्री बढ़ गई, ऐसे ही है जी? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली प्रूफ है जिसको मैं जनरलाइज करके आपसे पहले डिस्कस कर लिया, ये इसका पिक्टोरियल वे है जी, पिक्चर व्यू में आपसे प्रेजेंट करना चाहिए। क्वेश्चन किसी का? कहने का मतलब ये कि बाइपार्टाइट ग्राफ में जब भी आप एज डालोगे एक्स और वाई के दरमियान डालेगा, हर एज जो एक्स में भी एक डिग्री इंक्रीज करेगा, वाई में भी एक डिग्री इंक्रीज करेगा, तो वो पैरेलल दोनों तरफ इंक्रीज एक वन बाय वन एक एक होता रहेगा। ठीक है, और डिग्री का समेशन सेम रहेगा, चाहे नंबर ऑफ वर्टिसेस एक हो, ये भी पॉसिबल है कि एक तरफ सिंपल एक वर्टेक्स आ जाए, आई मीन इधर एक वर्टिसेस है और इधर 15 वर्टिसेस है सपोज, तो डिग्री का सम तब भी इक्वल रहेगा, डिग्री का सम सब भी इक्वल रहेगा, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, तो हमने जो प्रूफ किया है या जो रिजल्ट है वो इस चीज से बिल्कुल आजाद है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं किसी सेट में। ठीक है, तो आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूं, इसके पास बात आपने ये करना है कि डिग्री का सम लेना
डिग्री दोनों का सेम है या नहीं सेम है? जी दोनों तरफ डिग्री के सम नोट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 समझ के जस्ट डायग्राम बना लिया करें तो सब डायग्राम से जल्दी समझ आ जाता है, सब वो लिखने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है फिर अगर हम जस्ट डायग्राम ही बना दिया करें। अच्छा मिस फैम मैं आपसे बात कर लेता हूँ, इस प्रॉब्लम को खत्म नहीं करना, इस प्रॉब्लम के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, क्या ख्याल है? नहीं सब शुरू से हम डेफिनेशन के साथ ना हम सिर्फ डायग्राम ही सीख रहे हैं ना, तो क्वेश्चनिंग की नहीं है तो भी स्टार्ट किया तो भी डिफिकल्ट लग रहा है ना। तो मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, प्रॉब्लम जो आती है उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं या उन प्रॉब्लम को साथ साथ लेके चलते रहते हैं? आपने बोला कि अंडरस्टैंडिंग हो लिखना नहीं आता तो हम सिर्फ डायग्राम बना देता, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लिखना सीखना नहीं हमने, या ये अच्छी बात नहीं है कि हम लिखना सीख लें? जी सर सीखना चाहिए। तो किस चीज का डर है आप लोगों को क्यों, मतलब आज भी मैंने बार बार ये चीज सुनने में आई, इससे पहले भी हम डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, हम लिखना नहीं आता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आई थिंक कम से कम आप 22 साल के तो सारे स्टूडेंट होंगे, कम से कम की बात है यार 22 सालों में भी हमें लिखना नहीं आया और आगे भी हमारा इरादा नहीं है तो फिर मतलब कैसे चीजें होंगी? मैं आप लोगों के साथ मेरा ख्याल है हो सकता है ऐसा ना, बहुत फ्री हूँ, मेरी कोशिश आप चीजें सीखें, सीखने की बजाय सिर्फ मैं कहता पास होने की तरफ लगी हुई है। अब यकीन करें जब आप चीजें सीख लेंगे तो आप पास भी हो जाएंगे, लेकिन जब आप सीखेंगे नहीं और जस्ट सिर्फ पास होने की कोशिश करेंगे तो पास तो शायद आप हो जाएं लेकिन चीजें फिर आपको आएंगी नहीं। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि चीजों के लिए कोशिश करें, चीज नहीं होती मुझसे भी नहीं, बात बहुत सी चीजें मुझसे भी नहीं होती। ठीक है, और जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि मैं आपके एक्यूरेट रिजल्ट के ऊपर नहीं जाता, मुझे आइडिया है क्योंकि मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा हूं, हमें इस तरह नहीं बताया गया, हमें इस तरह नहीं पढ़ाया गया, हमारी इस तरह ग्रूमिंग नहीं की गई, तो मैं आप लोगों की अटेम्प्ट देखता हूं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि मैं क्वेश्चन देने के बाद कोशिश करता हूं कि आप कुछ ना कुछ आंसर दें आगे से, कुछ ना कुछ आप आंसर देते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं आपने बिल्कुल गलत दी है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि आप लोग एटलीस्ट ट्राई तो करो यार। ठीक है, आपको ट्राई भी क्यों मार्क्स भी मिलने हैं, ये बात कहना है कि हमसे होना नहीं, हम बहुत मुश्किल है वो थोड़ा सा फिर उस मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आज का पूरा सेशन मेरे कहते 2:30 हो गए, मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसलिए रखा है कि आप लोग कहते हैं सर हमें लिखना नहीं आता, आप मतलब 2.5 घंटे गुजारने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर ने डायग्राम ठीक है तो फिर मेरे ख्याल से आप कोशिश करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ, जिस चीज चीज आपसे नहीं होती मुझे हमसे डिस्कस कर रहे हैं मुझे सिर्फ डायग्राम दे देगा तो उसको मार्क्स फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स वो है जो मैं आपको वे बता रहा हूँ, इसी तरह आपने क्वेश्चन लेके चलना है, डायग्राम आप अपनी आसानी के लिए बना सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आप रिसर्च पर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट जाओ, मैं रिसर्च के लिए कोई नया प्रॉब्लम ढूंढता हूँ उसके सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ, मैं सबसे पहले एग्जांपल बनाता हूँ, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल, वेट कीजिए अच्छे से बात करते हैं, मेरी बात कम तो मैं खुद में कोई बात करूँ कि मैं बिल्कुल आप वाला वे यूज करता हूँ, जब मैं रिसर्च के लिए कोई प्रॉब्लम ढूंढता हूँ सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ, एग्जाम्पल से जब अंडरस्टैंडिंग होती है फिर उसको मैं वर्डिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, हाँ यार मुझे ये समझ आया है तो उसको मैं वर्डिंग में लिखता हूँ, यही रिसर्च है। आप में से अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है तो मुझे नहीं पता कैसे आएगा क्योंकि मैं कोई इतना अच्छा नहीं पढ़ाने लगा रहा है, अभी तो आप डरे हुए हैं, तो अगर कोई गाता आता है तो देखिएगा कि मेरा पैटर्न भी यही है कि यार सबसे पहले अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल बनाना क्योंकि एग्जाम्पल से आपको चीज समझ आती है और फिर समझ आने के बाद उसको अपनी वर्डिंग में लिख देना, ये
ठीक है, तो इमरान खान होगा ना, और वर्ड घबराना नहीं है, कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आता हूँ आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% सीख के जाए, लेकिन यार एटलीस्ट 40% तो सीखें, ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं और बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे बहुत स्टार्टिंग में कहा था, ऑलमोस्ट ऑल 44 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं फील्ड के अंदर। अभी जो अटेंडेंस की अगर बात करूँ, हमारे यहाँ अभी भी जॉब आई हुई है रिफॉर्म में, अगर जॉब आती है तो आप 44 एलिजिबल हो उस जॉब के लिए, हो सकता है 40 में से 30 लोग अप्लाई करते हैं, तो रिफॉर्म ने 30 स्टूडेंट को जॉब नहीं देनी, रिफॉर्म ने उन स्टूडेंट को जॉब देनी है जिनको कुछ आता होगा। एलिजिबल सारे हैं, सबके सीनियर के हो सकते अच्छे हों, ठीक है, लेकिन जब इंटरव्यू में आएंगे, जब आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम भी मेरे तो यही कोशिश होती है कि स्टूडेंट अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते, तो कम से कम कोशिश करके वो उस आंसर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ हमारे, या एटलीस्ट मेरे प्रायर सब्जेक्ट में, और अगर कोई और एक्सपर्ट पढ़ा रहा है तो उसके सब्जेक्ट के, एटलीस्ट 40% 30% या 20% स्टूडेंट को पता हो कि ग्राफ थ्योरी क्या होती है, बाइपोटाइड ग्राफ क्या होता है, और उसमें ये बेसिक चीजें हैं। आप लोगों के कमेंट्स की तरह बाद में वापस आऊंगा, पहले मेरे पास एक क्वेश्चन और है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट विद इन 2 मिनट्स वो मैं आपको कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे। सेकंड पार्ट जो रीड कर लें, सेकंड पार्ट ये है कि सबसे पहले मैं शेयर कर दूं सेकंड पार्ट है क्या, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, समेशन जो डिग्रीज के समेशन है दोनों इक्वल है। सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर हमारा ग्राफ जो बाइपरटाइट है वो के रेगुलर हो जाते हैं, अगर हमारा ग्राफ जो बाइपरटाइट है वो के इरेगुलर हो जाता है, वो के रेगुलर, तो फिर नंबर ऑफ वर्सेस दोनों में सेम, ठीक है। अगर हमारा ग्राफ के रेगुलर हो जाता है, के रेगुलर का मतलब 1 रेगुलर 2 रेगुलर 3 रेगुलर 10 रेगुलर 15 रेगुलर 20 रेगुलर, तो फिर नंबर ऑफ वर्सेस x में और नंबर ऑफ वर्सेस y में सेम होंगे। 2 मिनट्स का क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने पार्ट ए अप्लाई करना है, और इसका सोल्यूशन नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ आपको कि आप खुद से थोड़ा सा सोचें कि ये पार्ट बी जो है वो पार्ट ए से कैसे डिड्यूस होगा। 2 लाइन या 3 लाइन क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का नहीं है, ओके। तो सबसे पहले मैं जरा अटेंडेंस आप लोगों के लिए ले लूं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई कमेंट है, अभी 1 बाय 1 उसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद मैं आपको इजाजत दूंगी। से तीन शो भी हो रही, स्क्रीन शो जिनको नहीं हो रही उनको मैं पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर आई थिंक 9 का लास्ट 1.1.9 मीटर से स्क्रीन शो हुई है, शेयर हुई है, तो वहां से भी देख सकते हैं। 1.1.9 का ए पार्ट हमने कर लिया, बी पार्ट आपने कर लिया है, ओके। अभी तक किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब है कि सर आज का जो लेक्चर था वो बहुत फ्रूटफुल था, अगर सर जो हमने पहले असाइनमेंट्स और क्विज दिया है ना, ठीक है सर, उसमें ना हमारी हम जो एक्सप्लेनेशन करना चाह रहे थे वो वैसे नहीं करते जिस तरह आज आपने बताया, तो सर जो पिछले थे उसमें सर थोड़े से एक्सप्लेनेशन में थोड़े से लगते हैं कि दे दीजिएगा। शुक्रा आपकी बात बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा जस्ट हैंड रेज कीजिएगा, आपकी अटेंडेंस के बाद आती है, आई थिंक पहले एहतशाम अली था, एहतशाम अली फिर भी बात करूंगा यार, पास होने के पीछे रहूंगा आपको, ठीक है, पास आप ही, ठीक है सर। आज का जो लेक्चर था ना, आज हमें ये पता चल गया कि हमने एक्सप्लेनेशन किस तरह से करते हैं, सर नेक्स्ट दिन आपको तो टिकट पे गलती नहीं मिलेगी। मुझे गलती पे डर नहीं लगता, फिर भी मैं कह रहा हूँ गलती स्टूडेंट का काम, बल्कि इंसान का काम गलती करना ही होता है, गलती को साथ लेके चलना वो थोड़ा सा इश्यू होता है। मैं फिर कह रहा हूँ मुझसे भी बहुत सी मिस्टेक होती है, बल्कि लास्ट टाइम किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, किसी फीमेल स्टूडेंट ने, वो इंड्यूस वाला वो मुझसे अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो जैसे इसका सोल्यूशन मिलेगा वो भी मैं इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगा। मतलब कहने का मतलब, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कोशिश की थी,
अगर जो मैं कामयाब नहीं हुआ उसके अंदर, तो मैं जिस भी कह रहा हूँ कोशिश तो करो ना। सर कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, बस वो हमें पहले नहीं पता था किस तरह एक्सप्लेन करना है, तो अब इंशाल्लाह सर पता चल गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट रिपोर्ट में आपको बेहतरी मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, और आपको कहने का दूसरा मकसद ये है कि आपको जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, एक ये दो तीन चार पांच छह क्वेश्चन कर लें, सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करना ऑनलाइन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज आपने देखा कि शायद आपने आज हमने चार पांच छह क्वेश्चन डिस्कस किए और सारे लेक्चर का एंड हो गया तीन घंटे, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन तो आपसे लेक्चर में डिस्कस किया जा सकता है, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद अगर किसी से नहीं होगा तो फिर हम उनको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस पर अगर आप कहेंगे हर क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आज आपका हर सेशन में आपने देखा है कि आज हमने शायद चार पांच क्वेश्चन किए, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे नहीं हुए हैं। सर अल्लाह का शुक्र है, आप जो भी क्वेश्चन हमें असाइन करते हैं तो हम ट्राई भी करते हैं और हो भी जाते हैं, तो बस वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन का इशू आ रहा था, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं, किस बात खाना खत्म हो गया आपका? प्रैक्टिकली काम हुआ कुछ जब थोड़ा ये प्रॉब्लम थी हमारे साथ, तो काफी कुछ जो है उसे इतने तो मिले सारे हैं, इन शाला नेक्स्ट मिलेगा भी, तो इन शाला हम ट्राई और मजीद ज्यादा अपनी कोशिश ज्यादा कर देंगे इस हवाले से। सबसे ये कहना है कि बेसिक चीजें हैं वो याद करिए, आपको खाने के लिए मतलब डेफिनेशन पाथ क्या है, साइकिल क्या है, कंप्यूट क्या है, बायोटेक क्या है, या जो हम चीजें पढ़ चुके हैं वो चीजें आपको आती होंगी तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर क्वेश्चन बताऊंगा, तो काम और लेंथी हो जाएगा।